आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायलर में गेमिंग एप्लीकेशन कैसे हाइड करते हैं, लाइक फ्री फायर, मैक्स, बीजीएमआई, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं अपने डायलर का कोड डालता हूं पूरा, तो यहां पर आप देख सकते हैं हिडन एप्लीकेशन शो कर रहे हैं। हमने गेमिंग के अलावा, फ्री फायर, मैक्स के अलावा अभी बाकी और एप्लीकेशन हाइड कर रखा है। आप भी इस तरह से गेमिंग एप्लीकेशन यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। फ्री फायर, मैक्स के अलावा बीजीएमआई या कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन हो, आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो कैसे लाना है, क्या करना होगा, चलिए हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी इस तरह से डायलर का कोड बना पाएंगे, और जैसे ही कंप्लीट कोड डालेंगे इस तरह से हमारे जैसे, तो इस तरह से एप्लीकेशन शो करेंगे, बाकी आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ से ये एप्लीकेशन हट जाएंगे, डायलर में चले जाएंगे। दोस्त इसके लिए क्या करना है, चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, आप बहुत आसानी से चीज़ों को सीख जाएंगे। तो आपको इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है, यहाँ सेटिंग में आ जाएंगे, या फिर आपके फ़ोन में ही सेटिंग का एप्लीकेशन होता है, यहाँ से आप सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करना है प्राइवेसी। यदि आपको प्राइवेसी यहाँ मैनुअल ना मिले तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर मैनुअल ढूंढेंगे प्राइवेसी कहाँ पर है। देख सकते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी नीचे है प्राइवेसी का ऑप्शन, इस प्राइवेसी के ऑप्शन में ही हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, प्राइवेसी के ऑप्शन में ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड ऐप, बस इसमें आपको क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन को डायलर में कैसे करना है, कैसे ले जाना है, हाइड करना है, सब कुछ आप यहाँ से सीखने वाले हैं। बस इस पर अभी आप पहले क्लिक करेंगे, तो दोस्त इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेशन शो करता है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाते हैं, एप्लीकेशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जिस भी गेम को हाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फ्री फायर मैक्स हाइड करना है, तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, जो भी आप गेमिंग एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर उस एप्लीकेशन पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन में यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, सेट अप प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो आप पासवर्ड सेट करने के लिए बोल रहा, तो आप यहाँ सेटिंग पर क्लिक करेंगे और एक सेट करेंगे अपना पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हैं, ये आपका किसका पासवर्ड है, ये हाइड ऐप यानी कि हाइड ऐप का पासवर्ड है ये, तो दोस्त इसको भी लिख लेना है। और इसके बाद जो पासवर्ड आप सेट करोगे वो आपके डायलर का पासवर्ड होगा, डायलर का कोड होगा, तो उसको भी लिख लेना है। ठीक है, ताकि आपको भूले नहीं। तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, देख सकते हैं मैं इसको सेट कर देता हूँ, यूज़ पर क्लिक करता हूँ, वेरीफाई कर देता हूँ दोबारा डाल के। और यहाँ पर आपको एक नाम डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक नाम आप डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपको मदद करेगा रिकवर करने में। यहाँ पे एक्सेस कोड है, देख सकते हैं, इंटर योर एक्सेस कोड ऑन द डायल पैड टू एक्सेस हिडन ऐप, यानी यदि आप हिडन ऐप को डायलर पैड में पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस कोड जनरेट करना है, एक्सेस कोड बनाना, ताकि डायलर पैड में उस कोड को डालो तो आपके हाइड एप्लीकेशन शो कर जाए। यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ और एक कोड बना देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक कोड बना दिया हूँ। आप देख सकते हैं इस बार दूसरा कोड है, यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सही का टिक पे क्लिक करेंगे, लेकिन हैच और हैच लास्ट में जरूर लगाएगा, नहीं लेगा। सही टिक पर क्लिक करता हूँ, डन पर क्लिक कर देता हूँ। फ्री फायर मैक्स मैंने कर दिया है और जीमेल को कर देता हूँ। ठीक है, दो को कर दिया मैंने, और फेसबुक देख सकते हैं। इसी तरह से आप कोई भी और गेमिंग एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बाहर, यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ सब कुछ हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ही कोड होगा, यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से करूँगा 1 2 3, और यहाँ पर अपना हैश डालूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वो हाइड एप्लीकेशन शो कर गए हैं। तो डायलर पैड में हमने इस तरह से हमने हाइड करके दिखा दिया है। अब दोस्त आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, यदि हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।